الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق الإنسان من الماء والتين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين हमद सना दे बाद वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम घेबी दी मिलाद कमेटी दे जुमला अराकीन बिलखसूस असरे कारी मोहम्मद रमज़ान साहब खान जमान भाई और दिगर अराकीन जितने भी इस कमेटी नाल मुंसलिक हैं और सारे मुस्तहिक के मुबारकबाद मैं आज इस गुनाहगार की तरफों इस मिलाद मुकद्दस दा अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम जलूस और जलसे दा इनेकाद अल्लाह ताला इस इना दी इस काविश और कोशिश को अपनी बारगाह कबूल फरमावे और इसको क्यामत आले दिवार वास्ते जितने भी लोग जमा हैं सारा दे इस अमल को कबूल और मकबूल फरमावे। दोस्तों रब दे बेशुमार एहसानात असारे तालिब इलम मुस्तकबिल दे आलिम दीन वो बयान फरमाते पायन बड़ा खूबसूरत बयान किया ने महफल अच्छिया क्यों ना होवेन कि हर बंदा जान दे कि रब दे बाद जेरी जात है वो जात मुकद्दस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम दी जात अकदस है। महफलां क्यों अच्छिया ना होवेन कि जेरी अगर कायनात को बनावना मकसूद होए रब को तो मेरे ते तुहारे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते बनाया है। अगर तुहाकू ते साकू इस दुनिया दे विच पैदा कीतेस आदम अलैह सलाम को पैदा कीतेस जुमला अंबिया कराम और रसूल को पैदा कीतेस ते सारे सदका है मेरे ते तुहारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। दोस्तों कोई कमाल नहीं ना मैदा न कोई कमाल है कारी रमजान दा न कोई कमाल है कै आलिम दा न कोई कमाल है कै वली दा न कै कमाल है कै वजीर दा न कोई कमाल है कै बादशाह दा दुनिया दे कै सफीर दा कै सरदार दा कोई कमाल नहीं है। और अगर एक कमाल है तो मेरे ते तुहारे आका मोहम्मद मुस्तफा रसूल अरब वल आजम
सैयदुल मुहतशम सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन दा कमाल है। और उंदी ए नजरे इनायत है कि अल्लाह ताला ने ए बदम सजावण दी साकू तौफीक रफीक रिती से और उस मस्जिद मस्जिद सैयदना सिद्दीक अकबर कोलो चल के इस जगह ते आए हैं। और ये आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वास्ते आए हैं कि अपने महबूब दा मिलाद पाक मनावण वास्ते आए। दोस्तों बहु खुशी लगी है और हर मोमिन को खुशी लगनी चाहिए। मैं अक्सर आखदा रहना कि जेरे ले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बुलावा आवे, मेरी गाल जुमले ते गौर करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जेरे ले बुलावा आवे दुनिया नियां सारिया मसरूफियात छोड़ दो, दुनिया के सारे कम छोड़ दो, दुनिया के सारे कारोबार छोड़ दो, कि ये भी पता है असा को इज्जत मिली है रसूलुल्लाह दे सदके, असा को ये सूरतां मिली हैं रसूलुल्लाह दे सदके, असा को ये जिंदगी मिली है रसूलुल्लाह दे सदके, असा को ये ईमान मिले रसूलुल्लाह दे सदके, असा को ये इत्तेकान मिले रसूलुल्लाह दे सदके, असा को ये इज्जतां ये शोहरतां ये सारियां मिली हैं रसूलुल्लाह दे सदके, असा को ये इमामतां मिली हैं रसूलुल्लाह दे सदके, असा को ये खिताबतां मिली हैं रसूलुल्लाह दे सदके, असा को ये रिज़्क मिलता पे रसूलुल्लाह दे सदके। दोस्तों कैरी चीज को लो इनकार करे सो असा आए भी रसूलुल्लाह दे सदके, इत्थू वैसो ही रसूलुल्लाह दे सदके, कबारी च वैसो भी रसूलुल्लाह दा सदका, जेले क्यामत जुड़ सो रसूलुल्लाह दे सदके, जेले जन्नत च वैसो शिफात रसूलुल्लाह दे बगैर कोई दाखिल नहीं थी सकदा। दोस्तों अल्लाह या रसूल ये सारिया नेमतां रसूलुल्लाह दे सदके, लेकिन दुख इक्के गाल दा होंदा है दोस्तों, जेले यारी ते संगत लाओ ना ते मुहब्बत आले नाल लाओ, जेदे नाल ताल्लुक रखो दुनियावी ताल्लुक यहूदी नाल भी जायज़े, दुनियावी ताल्लुक ईसाई नाल भी जायज़े, जोहद दुनियावी ताल्लुक हर बंदे नाल जायज़े, गुमराह फिरके नाल ही जायज़े, लेकिन जेले दीनी ताल्लुक ते आओ उससे ले देखो कि ये दीन दे नाल कितना मुहब्बत रख दे, इदे अंदर इश्क मुस्तफ़ा कितनी है, इदे अंदर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत कितनी है। जेले अगर ये नौबत आ वे कि वह विलादत मुस्तफ़ा का भी मुनकर है, वह दुआ का ही मुनकर है, वह सारे कमां का मुनकर है जेड़े उनके सहाबा ने किते जेड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किते, तो वह तुंदा रास्ता छोड़ दो। दोस्तों अजीजाने ग्रामी हर बंदे ने एक हदीस सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि मैंने सहाबा सितारा दी माने दिन सुनी ने हदीस, हर बंदा जानता है, मौलवी तकरीरा कर करके थक गए, असा खुद भी बयान कीती हैं इत्थां घेवी दे शहर दे अंदर, मैं खुद अपने गुनाहगार कन्ना नाल भी सुने, तुहारे खतीब साहब भी बयान करें दे रहे, लेकिन कहीं को ये समझ नहीं आती कि जेरा कम सहाबी करे वो क्या हो नहीं सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। एक जनाजा होए, जनाजा पढ़ा जा चुका है, सैयदना उमर फारूक जनाजे को रह गए, जेले आ गए साहब ने फरमाए या अमीरुल मोमिनीन जनाजा तो हो चुका है, फरमाया जनाजा हो चुका है तो दुआ कुलू महफूज का मैं को महरूम कोई नहीं कर सकता, दुआ कुलू महरूम मैं को कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों कुरान फरमाए ये तो एक हदीस का हवाला है, कुरान फरमाए उदूनी अस्तजिब लकुम कि तुसा मैं को पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार कबूल करे सा।
और हदीस दे अल्फाज हिन और दुआ मुखल इबादा के हर इबादत का मगज ओ दुआ है। दुआ दे बगैर इबादत है भी नहीं। जेदा मगज काट गिनो, जेदा दिमाग काट गिनो, ओ बददिमाग हो वेंदे, ओ पागल समझा वेंदे। ते यकीनन जेरे लिए इबादत दे विच दुआ को कर छोड़ो, मेरे ते तुहारे आका दे अल्फाज हिन और दुआ मुखल इबादा के दुआ इबादत का मगज है। जिरले मगज को कर छोड़ो तो तुहारे साडे को बचनी केशे वर वसीला। ये किताब मेरे को मौजूद है दोस्तों, वसीला साबित है। वसीला अच्छे आमाल दे नाल भी है। बुजुर्गान दीन का ही वसीला है, औलिया कराम का ही वसीला है, माँ प्यो का ही वसीला है, उन्होंने आमाल का ही वसीला है, कुरान का ही वसीला है, रोजा का ही वसीला है, सदकात का ही वसीला है। ये सारे वसाइल हैं। जरे ले मैं जरूर ये कि चंद चीज़ा सारे खेबी दे शहर के अंदर ये वजूद पा चुके हैं, इन्हों का बयान करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जरे ले कोई भी इबादत की थी वजे हदीस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फर्ज की नमाज के बाद दुआ लाजिम है। हदीस ये दसो कि नमाज जनाजा फर्ज है या सुन्नत है? फर्ज है। इतना फर्क है कि वो फर्ज आइन ही नहीं, फर्ज किफाया लेकिन फर्ज है। जिन्हें हजूर सल्लम आखे कि हर फर्ज की नमाज, हर फर्ज नमाज के बाद दुआ जायज है, तो केरा माई का लाल है जरा है कि दुआ जायज को नहीं? क्यों का एहतराम करे सो असा मेरे दोस्तों के भोले न बनो। जिथा वनो देखो कि अगला आधा पे कि दुआ मंगण जायज नहीं, वो सिर्फ इतना आख रहे हो कि दुआ मंगण का मना हजूर सल्लम ने किथा फरमाया जवाब तरस। ये तो मैं तो कोई हजारों जवाब नहीं दे सक कि दुआ मंगण जायज है जनाजे के बाद, और केरा बंदा है कि जरा जवाब दे सी कि दुआ मंगण जायज की नहीं, क्योंकि हजूर सल्लम ने मुमानियत नहीं फरमाई। और सहाबा के बारे हजूर सल्लम फरमाए कि मेरे सहाबा सितारा दे माने दिन जैसे पिछू चल सो तुझा कामयाब वे। हजरत उमर दुआ करे ने ते वो सितारा दी माने नहीं हो सकते जै को हजूर सल्लम ने खुद मंगाए। तो दोस्तों ये चीज़ा हैं अर्ज करें प्याम से रोजे जरूर लाओ। मेरिया गालियाँ कड़वियाँ होसन लेकिन नाराज न थी वे दोस्तों, लेकिन होसन हक ते इंशाल्लाह। अगर कोई दलील मंगण आला हो तो मेरे को आवन होती दलील भी देसो इंशाल्लाह। कहते दिल्ली चकर खुद खुद होवे अकीदे को अलावा कोई चीज़ कौन इन्हें याद रखो जरूर से रोजे ही लाओ, चालीसवें लाओ। लेकिन ये देखो कि अज तुहारे मिलाद मुस्तफा दे विच ओ लोग जेरे तुहा को आद हैं के सारे नाल सेहरे से लाओ ते चालीसवें लाओ वो मौजूद हैं? जेरे आद हैं के सेहरोजे लाओ ते चालीसवें लाओ आज तुहारे नाल ओ मिलाद मुस्तफा वास्ते उतो मदरसे कुल चल के इतने तक आएन इस मजलिस च बैठे कला तुहारे नाल कोई ऐसा अमल जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या सहाबा ने किया है उनके नाल शामिल थे कतान नहीं? जेले वो नहीं थींदे तो वत साकू काले सब कटे के असा उनके नाल शामिल थी वजू। अकीदे को बचाओ, ताल्लुकात अच्छे होवें, बोल चाल अच्छी होवे, अच्छे रहो, लेकिन हमेशा अकीदे के मुताबिक सौदाबाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सब तो ज्यादा असारी जेरे सब तो ज्यादा कीमती शख्सियत इन और मौलाना साहब भी बैठे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अकदा से उस कुल बात का कोई कोनी। आज कुल जेरे आज जेरे आदन के दुआ मंगण जाए कुल आज कुल 10 साल पहले लगे वजो या 15 साल या 20 साल 50 साल पहले लगे वजो इन्हों के अबाव अजदाद क्या दुआव ना मंगते?
हूं आले क्या ज्यादा सियाने आ गए हैं असारे सलफे साले हीन पागलन क्या हजूर सल्लम दे दौर करो मिलाद आना पे सहाबा ने मिलाद मनाया तबा ताबीन ने मिलाद मिलाया शेख अब्दुल हक मुहद्दे से दैलवी ने एक नजात का जरिया करार दिता जरा 10,052 दे विच जदी वफात है 1052 सॉरी 1052 हिजरी दे विच जदी वफात है ओ आदन के सब तू बेहतर अमले और जिनले मैं मिलाद करे ना मैं एक साल मिलाद ना करा सका चने घिन के तकसीम कीते रात को ख्वाब मेरे तो तुहारे आका दी ज़ियारत थी फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते पैन और दस्ते मुबारक दे उत्ते भुने चने मौजूद हैं और कोई है जरा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का मुकाबला करे साडे भी इन ते तुहाडे भी इन सारा दे ही लो तो दोस्तों कतरा सियाने थी हो अकीदे को बचाओ हमेशा पैमाना हिको है और उसको तोलो जरा तुहारे न मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शरीक नहीं थींदा उन्दे दिल दे विच मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे बुग्ज़ो हसद है जेरले बुग्ज़ो हसद है तो मैं तो आदा हूं दे नाल ताल्लुकात भी छोड़ देओ यार या गाल है ना मदरसे दा चंदा नडेसी न देवे ना मदरसे तो अल्लाह बनावणे इमाम ता रब ने तुंदे रसूल ने दी थी इज्जत उन्दे तरफे वलिल्लाह इज्जत वले रसूल ही वलिल मुमिनीन कि इज्जत अल्लाह दी है ते अल्लाह दे रसूल दे वास्ते ते मुमिनीन दे वास्ते है दोस्तों घेबी दे शाहर आले और इतने जिथों जिथों दे आए बैठे ने ये गल सहनी चल पक्का पुख्ता अकीदा बना छोड़ो पक्का कि जिथा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दा दिगाह लावे ना उत्था लब बंद कर छोड़ो कुरान भरा पे इतना टाइम कौन है क्योंकि बैलोमा ये कराम विहीन मेरे को टाइम कौन है वरना इतनिया कुरान दिया आयता हिन और इतनिया हदीस इन के तुझा हैरान थी वैसो कई घंटा तक भी ये बयान जारी रहा सी खत्म नहीं सी लेकिन वक्त की किल्लत को देखते हुए दोस्तों की मजबूरी कोई इस दफे ख्याल रखते हुए मेरा दिल आता है कि मैं चंद गालियां कैद के बारे कर छोड़ा वो मैं तुहाड़े सामने गोश गुजार कर छोड़ियन तो दोस्तों हिक्का गाल बुला के आखदा प्याने और ये हाथ जोड़ के आखदा प्याने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि मैं अपने मोमना को हदीस मफहूम थोड़ा जहाँ बयान करें पाँ कि मैं पकड़ पकड़ के ते जहन्नम को हटैना ते लोग इनके परवाना लेकर जहन्नम दो मैंने ऐसे मुस्तफा दो मिला दे और बंदा पुछदा खड़ोते यार जायजे के ना जायजे वन्या के ना वन्या और कोई तो ऐसा होता है कि रस्ते ते आके मिलते सिर सलाम अलैकुम ते वालेकुम सलाम उन्नो तक बिठुए लड़ दिन जरा चल के आता क्यों इवें करें दे वे बुग्ज न रखो दिल दे विच साफ और शफाफ अकीदा रखो पक्का क्लियर और जेले अकीदे दे मामला आवे ना उत्थे ना रिश्तेदारियां चल दियां ते ना दोस्तियां चल दियां याद रखो अगर इदे बारे ही दलैल देवने पवन तो देख इंसा इंशाल्लाह लेकिन वक्त को नहीं इन्हां अल्फाज दे उत्ते इख्तिताम करे सां तो ये चंद गालियां हैं दोस्तों जिहड़ियां तुहाड़े सामने गोश गुजार कीतियां से दुआ है रब्बे जलील कोलों कि ओसा को इन्हां गालियां दे उत्ते अमल करन दी तौफीक ए रफीक अता फरमावे और जितने भी दोस्त असारे मस्जिद और मदरसे कोलों चल के आएं असारे बच्चे असारे महल्ले दे बैलो मदरसा ए महरिया नसीरिया कोलों जेरे लोग शामिल थे और रस्ते ते जेरे शामिल थे और सिवाय हमेशा हिक्का नियत रखी करो कि ए
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद है मुकद्दस है। जेले इस नीयत नाल बंदा शामिल थी सी तो अल्लाह ताला उन्दे उते अपनी रहमतां नाजिल फरमैसी, उनको अजर अजीम अता फरमैसी। और जेरे ले वो बंदा खालिसतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रज़ा दे उते कदम उठैसी तो वह यकीनन अल्लाह ताला उन्दे रिस्क दे विच फरावानी अता फरमैसी, उन्दे सियात और तंदरुस्ती दे विच अल्लाह ताला आसानी अता फरमैसी, घरां दे विच उन्दे बरकतां होसन और उन्दे माल दे विच बरकतां होसन, उन्दी जान दे विच मुहाफजत होसी। अगर इस कोलों हट के नियत होसी, क्योंकि जिवें सारे साथी फरमैंदे पैन कि जे तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते दरूद न भेजा वञे दुआ कबूल नहीं थींदी। जे तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे उत्ते अव्वल आखिर दरूद न भेजो तो दुआ कबूल नहीं थींदी। इस वास्ते हमेशा मुहब्बत का मुजाहरा किया करो, दुआ है रब्बे जलील को लो कि वह सारी दे तुहारी सारा दी हाजरी अपनी बारगाह कबूल मकबूल फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज़ ना।